फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको बनाना सिखाने जा रहे हैं दही भल्ले। इसके लिए हमें चाहिए होगी सेम क्वांटिटी में दो दालें, एक मूंग की दाल एक कप और दूसरी उड़द की धुली दाल एक कप। इसको हमें ओवरनाइट सोक करना है। देखिए, अब ये हमारी दाल भीग कर बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे मिक्सर में पीस लेंगे। देखिए दोस्तों, ये जो दाल हमने कल भिगोई थी उसको ओवरनाइट हमने सोक किया था, उसके बाद उसको हमने पीसा है। ये हमारी पीसी हुई दाल तैयार है और इसमें आप चाहें तो ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं। अब हमारी दाल दही भल्ले बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है और पीसने के बाद ही इसको हमने 5 से 6 घंटे रेस्ट के लिए रखा है। देखिए दोस्तों, ये हमारी दाल पिसी हुई तैयार है और इसमें हमने थोड़े से चिरौंजी, ड्राई फ्रूट जो भी आप चाहें इसमें ऐड कर सकते हैं। अब हमें दही भल्ले बनाने के लिए इसमें थोड़ा सा सोडा मिलाना है और इसे हमने पीसने के बाद भी 4 से 5 घंटे सेट होने के लिए रखा था। अब इसमें हम थोड़ा सा सोडा और थोड़ा सा पानी एडजस्ट करके इसको दोबारा फेंटेंगे। देखिए, ये हमारी दाल स्मूथ पेस्ट तैयार हो चुका है। देखिए, हमें अपनी दाल की कंसिस्टेंसी इस तरह की रखनी है कि वो इस तरह से गिरे। देखिए दोस्तों, अब हमारा तेल तैयार हो चुका है, बिल्कुल गर्म है। इसे ज़्यादा गर्म नहीं करना है, हमने इसे मीडियम उस पर इसमें डालना है। देखिए, चमचे से आप इस तरह से डालेंगे तो ये बहुत अच्छे से शेप में अपने आप आ जाएगा। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी दाल कितनी पतली है। अगर ज़्यादा पतली होगी तो ये आपके परे टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे और आपको भी ज़्यादा तेज़ नहीं करना है। रुको, देखिए दोस्तों, अब हमारे दही भल्ले सिक रहे हैं और आप दाल की कंसिस्टेंसी देख सकते हैं कि ये किस तरह से गिर रहा है। और इसे ज़्यादा पानी डालकर भी नहीं पीसना है, वरना ये पतली हो जाएगी और आपके दही भल्लों का शेप ख़राब हो जाएगा। और इसको सेट होने के लिए 4 से 5 घंटे हमें रखना भी पड़ेगा पीसने के बाद, और ओवरनाइट सोक भी करना पड़ेगा दाल को भिगाने के लिए। और हमें फ्लेम बिल्कुल तेज़ नहीं करनी है, वरना हमारे दही भल्ले अंदर से कच्चे रह जाएंगे, जो बिल्कुल अच्छे नहीं लगेंगे। देखिए, ये हमारे दही भल्ले सिक चुके हैं, हमें इतना ब्राउन करना है इन्हें। अब ये हमने एक बर्तन में सादा पानी ले लिया है, जिसमें हमें काला नमक और हींग डाल के इसे तैयार करना है। जब तक हमारे दही भल्ले सिक रहे हैं, हम अपना पानी रेडी रखते हैं। ये काला नमक, ये हींग, एक चम्मच काला नमक आप डाल सकते हैं और हींग इसे पानी में घोल देंगे। फिर हम अपने दही भल्ले इसमें डालने शुरू कर दिए। मैं अपने दही भल्ले इसमें डालने शुरू कर दिए। जैसे जैसे फ्राई होते जाएं, आप इसमें डालती जाएं, या आप एक साथ भी डाल सकते हैं और इसको भीगने के लिए रख सकते हैं। ये देखिए, अब हमने अपना दूसरा बैच इसमें डाल दिया है फ्राई होने के लिए और ये हमारे दही भल्ले फ्राई हो गए। ये हमारे दही भल्ले सब बन चुके हैं और हमने इसे 2 घंटे भीगने के लिए रखना है, तभी ये सॉफ्ट हो पाएंगे। ये अपने दही भल्ले जो हमने भिगाने के लिए रखे थे भीग चुके हैं और इसे पानी में से निकाल के हमें ट्रे में सेट करना। ये हमने अपने दही भल्ले पानी में से निकाल के निचोड़ने के बाद प्लेट में सेट कर लिए। अब जो हमने अपना दही ब्लेंड करके रखा था उसको इनके ऊपर डाल देना है और इसकी बिल्कुल कवर कर देना है। इसे हमने अच्छे से ढक देना है। ये देखिए, अब हमने दही से अपने भल्ले कवर कर दिए। अब इसके ऊपर हम, ये देखिए, अब हम इसके ऊपर सौंफ डालेंगे। Yeah, yeah.
अब हम इस पे अपना दही भरे का मसाला ऐड कर रहे हैं। वाह, देखिए हमारे दही भल्ले बनके बिल्कुल तैयार हैं और ये देखने में कितने खूबसूरत लग रहे हैं। अब खाइए और इनका लुत्फ उठाइए।